हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों, आ गया हूं आप लोग के लिए बूट स्टेप चैप्टर वाइज लर्निंग में एक और अमेजिंग चैप्टर लेके। यहां पे हम लोग जो बना रहे थे नेबार, इससे पहले नेबार चैप्टर गया था दोस्तों, यहां पे ये देख लीजिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने इतना काम किया था, इसमें हम लोग नेबार में कुछ और करेंगे, यानी कि आगे कुछ और डेटाओं को जोड़ेंगे। कैसे वो जोड़ना है आप लोग यही देख लीजिए। ठीक है, तो नेबार में कैसे काम करना है ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इस वीडियो के बाद। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इसी YouTube चैनल पे, यहाँ पे जे बूट स्टेप चैप्टर वाइज लर्निंग आपको यहाँ पे मिलेगा। इसी में आपको एक एक चीज मिल जाएगी, इसके जो जो भी चाहिए आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। एक एक चीज मैंने समझाया है, कैसे ड्रॉप डाउन बनाना है, कैसे नेप बनाना है, कैसे नेबार बनाना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। आगे बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं, आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, उससे पहले आपको एचटीएमएल और सीएसएस का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लेना है। चलते हैं अपने वीएस कोड में और इसको भी अचीव कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए वीएस कोड में, सबसे पहले तो वही वाला ओपन कर लीजिए जो हम लोगों ने बनाया था। तो नेबार नाम कर दिया था मैंने, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा इतना काम हुआ था। ठीक है, तो हमारा ये रिस्पॉन्सिव भी शायद हम लोगों ने किया था। यहाँ पे आगे रिलोड करूंगा और यहाँ पे देखिए मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इसको। ये देखिए हम लोगों ने इसमें जो है रिस्पॉन्सिव का भी काम किया था। यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए इस तरीके से हम लोगों ने काम कर लिया था। यानी कितना अच्छा ये खुल रहा है नेबार, है ना। इसमें हम लोग आगे और भी कुछ काम करेंगे, यानी कि मैं आगे क्या इस तरीके से, अगर आप यहाँ पे सर्च लगाना चाहते हैं, यानी सर्च बटन या और कुछ में लगाना चाहते हैं, तो आप कैसे लगाएंगे वो चीज़। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में देखिए जहाँ पे आपका यूआरएल बंद हो रहा है, इसके बाद यानी कि यहाँ पे आना, आपको एक फॉर्म ले लेना है इस तरीके से फॉर्म, और फॉर्म के अंदर अगर आप कुछ नहीं अभी एक्शन रिमूव कर दीजिए, एक्शन नहीं लेना है हमें, फिर फॉर्म लेना है। ठीक है, अब फॉर्म में ठीक है, फिलहाल मैं अभी नॉर्मली लिखता हूँ, अभी आपको समझाऊंगा कि क्लास लगा के कैसे क्लास काम करते। तो इनपुट टेक का यहाँ पे यूज करूंगा और यहाँ पे इसका टाइप मैं टेक्स्ट रखता हूँ, बाकी इसमें कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाऊंगा मैं इसमें प्लेस होल्डर में डिफाइन कर देता हूँ, सर्च लिख देता हूँ इस तरीके से प्लेस होल्डर में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लेस होल्डर में सर्च, इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो प्लेस होल्डर लगा दीजिए फिलहाल अभी आप लोग। मैं यहाँ पे एक बटन का यूज करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे मैं बटन के अंदर लिख देता हूँ एक, मतलब यहाँ पे एक कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बीटीएन प्राइमरी रखता हूँ और इसके अंदर सर्च लिख दूंगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, अभी अगर मैं रिलोड करूँ यहाँ पे आगे, तो देखिए क्या आया, ये देखिए इस तरीके से बना। अब इसको अगर आपको एक अच्छे डिजाइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ठीक है फिलहाल मैं कुछ नहीं करता हूँ इसमें, यहाँ पे इसको मैं डिजाइन करता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले एक क्लास लगाना है आपको। क्या क्लास लगाना है, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, इसमें क्लास देना है फॉर्म हाइफन कंट्रोल। यहाँ पे इस तरीके से लिखिए फॉर्म हाइफन कंट्रोल, बस इतना करने से देखिए कितना अच्छा इसका डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इनपुट फील्ड का कहीं भी आप यूज करें तो फॉर्म हाइफन कंट्रोल जरूर उसमें दीजिए। ठीक है, ये देखिए ये ब्रेफ हो गया, तो फॉर्म में हमें लगाना पड़ेगा डी फ्लेक्स, यानी जो ये फॉर्म है इसमें क्लास लगानी पड़ेगी हमें डिस्प्ले फ्लेक्स, डी हाइफन फ्लेक्स। तो अब ये क्या होगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं रिलोड करूंगा आके, यही चीज ये देखिए अब आ गया एक ही लाइन में। ठीक है, अब हमें इसको डिजाइन करना है, तो इसको डिजाइन करने के लिए आप यहाँ पे आ जाइए, इसमें क्लास लगा दीजिए बटन, सॉरी बीटीएन, यहाँ पे एक क्लास यूज कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे बीटीएन लिखिए, बीटीएन हाइफन प्राइमरी, जो भी आपका इसका कलर देना है वो यहाँ पे आप दे दीजिए। ये देखिए इससे पहले हम लोगों ने बटन भी समझा था कैसे बनाना है, यहाँ पे आके रिलोड करूंगी, देखिए कितना अच्छा आया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच में गैप चाहिए तो आप यहाँ पे लिखा दीजिए, मतलब लिख दीजिए मी टू, इसमें मी हाइफन टू क्लास मतलब लगा दीजिए, ऐड कर दीजिए बस इतना, और इन दोनों के बीच में गैप भी आ जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा गैप आ गया। ठीक है, अब ये जो नैब बार है इसको, ये जो अंदर का ये नैब है, यानी कि जो ये एल आई का एलिमेंट है सारा, इसको हमको सेंटर में भेजना है। तो सेंटर में कैसे भेजेंगे, यहाँ पे आ जाइए, जो यू एल है ये यू एल वाला, इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई इस तरीके से लिखिए, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, जस्टिफाई हाइफन कंटेंट हाइफन सेंटर, इस तरीके से डिफाइन करिए। देखिए अभी ये सेंटर में जाएगा या नहीं जाएगा, ये देखिए रिलोड होगा तो सेंटर में नहीं गया। ठीक है, अब सेंटर में नहीं गया, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका स्टाइल लगाइए इसमें और विद इसका बढ़ा दीजिए, तो विद मैं रखता हूँ 80%। अभी देखिए ये सेंटर में चला जाएगा इस तरीके से, आपको 80% बढ़ा देना है विद इसकी, है ना। तो आपको इतना काम करना ही पड़ेगा तभी ये आएगा, तो विद लिखना है यहाँ पे, तभी आपको बढ़ाना है यहाँ पे इस तरीके से लिखे विद, और इसमें इसको कॉलन से टर्मिनेट करके यहाँ पे इसकी वैल्यू डिफाइन कर दीजिए। रिलोड करूंगा, ये देखिए बिल्कुल बीच में चला गया। ठीक है, कितना अच्छा हम लोगों ने इसमें काम किया। तो यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो ये देखिए इंस्पेक्ट करता हूँ, ये देखिए पूरा हमारा नेबार जो है रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे आके मैं रिलोड करता हूँ, ये देखिए यहाँ क्लिक करूंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको डिफाइन करना है, ये देखिए कितना अच्छा हम लोगों ने काम किया। यहाँ पे किसी भी डिवाइस पे आप ओपन कर लेंगे, जिस भी डिवाइस पे आप ओपन करना चाहते हैं, मैं बड़े से बड़े डिवाइस पे ओपन करूंगा तब भी ये अच्छे से अच्छा ओपन होगा और ये रिस्पॉन्सिव ही रहेगा। तो आपको नेबार कैसे बनाना है ये समझ में आ गया हो दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।